गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। सो आई एम मुस्कान, वेलकम टू अवर चैनल विच इज़ पावर ऑफ एजुकेशन। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उसके दो टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, और इसकी हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके भी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। So let's start our today's class. So our first question is, what is pronoun? Pronoun is a word used in place of noun. Pronoun एक ऐसा word है जो हम noun की जगह use करते हैं। Pronoun हम noun की place पर use करते हैं। Example, Mrs. Komal is the principal of the school. ये आपको मैं paragraph से मैं आपको समझाती हूँ। मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मिसिस कोमल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट मिसिस कोमल। सो ये हमें पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो इसी में हम नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो मिसिस कोमल, कोमल इज़ अ पर्सनस नेम, तो ये क्या है, नाउन है, तो हम इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मिसिस कोमल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। सो आई, मी, ही, डैट, शी, इट, वी, दे, वो, डैट, योर्स, हिज, हर, देम, दोस, एसेट्रा, ये सब क्या हैं, प्रोनाउन्स, और यही हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। सो हम विद एग्जांपल देखते हैं, मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। सो अगर हम मिसिस कोमल बार बार यूज़ करेंगे तो ये हमें अजीब लगता है, तो इसीलिए हम ये नाउन की जगह यूज़ करते हैं। सो हम देखो ये ऐसे यूज़ करेंगे, मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो हम मिसिस कोमल की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। शी किसके लिए यूज़ होता है, वुमेन के लिए, और ही किसके लिए होता है, मैन के लिए। तो मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। तो इसमें ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट मिसिस कोमल, तो हम यहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट मिसिस कोमल की जगह हम क्या राइट करेंगे, हर। All the student respect her. तो अब ये हम पैराग्राफ दोबारा रीड करते हैं, मिसिस कोमल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर, ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट हर। तो हमने क्या किया, नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ किया, और ये विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अगर हम बार बार मिसिस कोमल बोलते हैं तो वो हमें अजीब लगता है, इसीलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। आज की क्लास में हम इसके टू टाइप्स ही करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप करते हैं, तो फर्स्ट टाइप क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं, ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग की जगह यूज़ की जाती है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किससे कहते हैं, कोई भी प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग के लिए स्टैंड होती है, जो पर्सन और थिंग की जगह यूज़ की जाती है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन कौन सी होती है पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम आर पर्सनल प्रोनाउन्स। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो अब इसमें देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए अलग अलग यूज़ की जाती हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, आई, मी, माइन, वी, अस। आई का मतलब क्या होता है, मैं, मतलब खुद के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है, फर्स्ट पर्सनल के लिए। वो और कौन कौन सी होती हैं, आई, मी, माइन, वी और अस।
और जो सेकंड पर्सनल के लिए यूज़ की जाती हैं वो क्या होते हैं, यू एंड योर्स। ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं, सेकंड पर्सन के लिए। और जो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ की जाती हैं वो क्या होती हैं, ही हिम हीज शी हर दे देम एंड देयर्स। ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं, थर्ड पर्सन के लिए। तो अब हम विद एग्जांपल देखते हैं। ये सीमा और रिया के बीच में कंजर्वेशन है, कन्वर्सेशन है सॉरी। तो ये अब विद एग्जांपल, आई लाइक स्वाति मैम, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, आई लाइक स्वाति मैम। डू यू, रिया सीमा से पूछती है, आई लाइक स्वाति मैम, मुझे स्वाति मैम पसंद है, क्या तुम्हें भी? सीमा बोलती है यस शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। तो सीमा क्या बोलती है, हाँ वो एक एक्सीलेंट टीचर है। तो अब इसमें देखेंगे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। और यू क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। और इसमें पहले रिया खुद का मतलब फर्स्ट पर्सन है रिया, और सेकंड पर्सन कौन है, सीमा। और यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, स्वाति मैम। तो शी क्या है, थर्ड पर्सन। पहले रिया फर्स्ट पर्सन है खुद, और वो किससे पूछती है, सीमा से। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो वो किसके बारे में पूछती है, स्वाति मैम के बारे में। तो ये क्या हुआ, शी क्या हुआ, थर्ड पर्सन, क्योंकि शी हमने स्वाति मैम के लिए यूज़ किया है। सो एग्जांपल, तारा इज़ अ डांसर, लास्ट नाइट शी डांस सो वेल डैट एवरीबडी प्रेज्ड हर। सो इसमें तारा क्या था, तारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। शी क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि शी हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और हर भी किसके लिए करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए। तो आगे हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, आई मी माइन, ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और वी अस और अर्स आवर्स प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन में हम यू एंड योर्स सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए भी हम यू और योर्स यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन के लिए हम ही हिम हिज शी हर एंड हर्स और इट, ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे देम एंड देयर्स, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए। और हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ मेल और फीमेल्स के लिए करते हैं, किसके लिए, मेल और फीमेल्स के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल्स के लिए। ही हिम शी हर, हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल के लिए। ये भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल के लिए। पर इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। और ही हिम हिज शी हर एंड हर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल के लिए। और दे देम एंड देयर्स, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं, और मेल और फीमेल के लिए भी करते हैं, मेल और फीमेल के लिए भी करते हैं। हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए हम ये दे देम और देयर्स का यूज़ करते हैं। और आई मी माइन वी अस अर्स यू एंड योर्स एंड यू योर्स हम मेल और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन, और इसमें हमें अंडरलाइन करना है और पर्सन बताना है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया गया, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया गया।
तो इसमें हम देखेंगे आई क्या है, प्रनाउन। पहले हम देखेंगे इसमें, इस सेंटेंस में प्रनाउन कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस में प्रनाउन कौन कौन से हैं, आई और मी क्या है, प्रनाउन। आई और मी क्या है, प्रनाउन। तो आई किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और मी किसके लिए यूज़ किया जाता है, मी इज़ ऑल्सो यूज फॉर फर्स्ट पर्सन। मी किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे, इफ़ दिस पेंसिल इज नॉट शार्प यू कैन यूज़ माइन। इसमें हम पहले प्रनाउन देखेंगे कि कौन कौन सी प्रनाउन है। तो बताओ इसमें प्रनाउन कौन कौन से हैं, यू एंड माइन। तो ये क्या है, प्रनाउन। ये क्या है, प्रनाउन। तो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर सेकंड पर्सन। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेकंड पर्सन। और माइन किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन। और अवर थर्ड सेंटेंस इज, डू नॉट फॉरगेट टू रिंग मी बिफोर यू कम। तो इसमें हम पहले प्रनाउन देखेंगे कौन कौन से प्रनाउन हैं। मी क्या है, प्रनाउन। और यू क्या है, प्रनाउन। तो इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। बताओ तो मी कौन सा पर्सन है। मी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन। मी हम फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, खुद के लिए। तो हम खुद के फर्स्ट पर्सन। और यू किसके लिए यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। और अवर फोर्थ सेंटेंस इज, दे वेंट टू अ पार्क फॉर वॉक, वॉकिंग देयर रिफ्रेश देम। इसमें हमें देखें पहले प्रनाउन कौन कौन से हैं। तो दे क्या है, प्रनाउन। दे क्या है, प्रनाउन। और देम भी क्या है, प्रनाउन। तो बताओ दे कौन सा, किस पर्सन के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो दे हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर थर्ड पर्सन। और देम भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर थर्ड पर्सन। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर थर्ड पर्सन। और अवर फिफ्थ सेंटेंस इज, व्हाई इज द डॉग बार्किंग, इज इट हंग्री। तो इसमें हमें पहले प्रनाउन आइडेंटिफाई करना है। तो बताओ प्रनाउन कौन है, कौन सा है। इट क्या है, प्रनाउन। और ये बताओ, मैंने आपको बताया था प्रनाउन किसी एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग, इट किसी एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो बताओ ये डॉग क्या है, एनिमल। तो हमने यहाँ पे डॉग के लिए यूज़ किया है इट। और इट क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। तो अवर सिक्स सेंटेंस इज, दे आर प्राउड ऑफ देयर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर्स। इसमें ओ भी स्मॉल आएगा, इसका टी भी स्मॉल आएगा। क्या आएगा, स्मॉल। ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। अगर यहाँ पे हम कैपिटल टी डालेंगे और यहाँ पे भी अब कैपिटल ओ लगाएंगे तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे ओ भी स्मॉल आएगा और यहाँ पे टी भी स्मॉल आएगा। तो अब हम इस सेंटेंस में पहले प्रनाउन आइडेंटिफाई करेंगे। तो दे क्या है, प्रनाउन। देयर इज ऑल्सो अ प्रनाउन एंड आवर्स इज ऑल्सो अ प्रनाउन। तो बताइए दे हम किस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, किस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम दे, फॉर थर्ड पर्सन। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर थर्ड पर्सन। और हम देयर किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आप बताइए। ये हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। और अर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, अवर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेकंड पर्सन। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेकंड पर्सन। तो नेक्स्ट है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल पर्सनल प्रनाउन। हम इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे विद द सुटेबल पर्सनल प्रनाउन। तो बताओ पर्सनल प्रनाउन कौन कौन सी होती हैं। पहले पर्सनल प्रनाउन कौन कौन सी होती हैं,
आई वी यू ही हिम शी हर इट दे देम आर पर्सनल प्रोनाउन. ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. और इसी प्रोनाउन का हम उन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में यूज करेंगे. सो हम इन फिलिंग द ब्लैंक्स में पर्सनल प्रोनाउन को फिल करेंगे.